नमस्कार, राजदावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों पर बैन लगा दिया गया है। यहां अब तेज धार वाले हथियार खरीदे और बेचे नहीं जा सकेंगे। लोग पब्लिक प्लेस पर भी ऐसे हथियार लेकर नहीं निकल सकेंगे। जिन लोगों के पास ये हथियार है, उन्हें 3 दिन के भीतर इन्हें नजदीकी पुलिस थानों में जमा कराना होगा। श्रीनगर के DM मोहम्मद एजाज असद ने यह आदेश जारी किया है। शहर में हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। श्रीनगर SSP के मुताबिक कमरवारी, बेमीना, क्रालपोरा, बटमालू, नोहट्टा, कोठीबाग और रामबाग समेत कई इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं हुई थी। आदेश में कहा गया है कि चाकूबाजी की घटनाओं से नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। इन घटनाओं को रोकने के लिए तेज हथियारों पर बैन लगाना जरूरी हो गया है। आदेश के मुताबिक ऐसे हथियार जिनका ब्लेड 9 इंच से लंबा है या 2 इंच से ज्यादा चौड़ा है, उन्हें रखना आर्म्स एक्ट 1959 के तहत कानूनी अपराध है। वही खेती, किसानी, इंडस्ट्री और साइंटिफिक कामों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आदेश के तहत बड़े चाकू, तलवार, बॉक्स कटर और रेजर समेत सभी तेज धार वाले हथियारों पर बैन लगाया गया है। हालांकि ये बैन कानूनी एजेंसियों और व्यवसायों पर लागू नहीं होगा। यानी कारपेंटर, कसाई, शेफ और इलेक्ट्रिशियन अपने काम के लिए ऐसे हथियार रख सकेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।